नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जा रहे थे, वहीं बीजेपी पीछे थी। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें दमोह से जयंत मलैया, जवीरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं हटा से उमा देवी खटीक को पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सूची का काफ़ी इंतजार किया जा रहा था, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म था। बीजेपी की सूची आने के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया। दमोह से पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जवीरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी पर पार्टी के द्वारा एक बार पुनः विश्वास जताया गया है। वहीं हटा में पीएल तंतवा, जो कि वर्तमान में विधायक थे, उनका टिकट कट गया है। उमा देवी खटीक पर एक बार पुनः पार्टी ने विश्वास जताया गया है, वह एक बार हटा से विधायक रह चुकी हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।